हे गाइस, आप देख रहे हैं विश्वजीत पात्रो यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है विश्वजीत पात्रो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, इस आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑर्डर डिनाई कैसे करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध करेंगे, अगर आप चैनल में नए हो, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा ना लगता हो तो डिसलाइक कीजिएगा। जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, इस वीडियो में हम बताते हैं कि आप ऑर्डर को डिनाई कैसे कर सकते हैं। गाइस, लाइव ऑर्डर डिनाई आप करते हो या फिर करने के बाद क्या ऑर्डर का डिनाई करने से क्या कोई पेनल्टी चार्जेस लगता है, यानी ए टू जेड इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, तो गाइस देखिए, ऑर्डर जब हम डिनाई करेंगे, डिनाई करने से कोई भी पेनल्टी अभी चार्जेस नहीं लगेगा। गाइस, जी हाँ, आप दिन में एक बार एक ऑर्डर आप डिनाई कर सकते हो। जैसा ऑल रेट कार्ड में था, ऐसे ही अभी गिग में भी ऐसे ऑप्शन है। गाइस, ऐसा कोई पेनल्टी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा, पर हाँ, आपको 15 मिनट पहले ही आपको डिनाई करना पड़ेगा। गाइस, जी हाँ, अगर आप 15 मिनट के बाद अगर डिनाई करते हो तो वो कैंसलेशन, मतलब ऑर्डर जो है कैंसलेशन में काउंट होता है, वो कंपनी की ओर से आप सभी को पता होगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताया हूँ कि ऑर्डर डिनाई कैसे कर सकते हैं, और डिनाई करने का जो ऑप्शन है वो किस तरह आप फॉलो करके आप अगर इनकेस अगर आपको डिनाई करना हुआ तो आप कैसा कर सकते हो। तो आगे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए। गाइस, आप सभी के लिए मैंने ऑर्डर को डिनाई किया था। गाइस, जी हाँ, ऑर्डर जैसे आप डिनाई करोगे, आपका जो रैंक है थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो ऑन टाइम ऑर्डर जो स्कोर है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ को भी आप सही सुधार कर सकते हो। गाइस, मतलब सही कर सकते हो। जैसे ही आपका ऑर्डर डिनाई हो जाएगा, डिनाई होने के बाद में आप कुछ टाइम बाद आप क्लियर रेस करके आप उन्हें बता सकते हैं कंपनी को, मैं इस रीज़न के कारण ही डिनाई किया था, प्लीज़ मेरा जो भी डिस्प्यूट हुआ है वो डिस्प्यूट को हटा दीजिए, तो आपका जरूर हटा दिया जाएगा। तो बस आपको क्या है कि गाइस, सही रीज़न आपको बताना पड़ेगा, सही रीजन आपको सेलेक्ट करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। गाइस, तो आगे का आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए। गाइस, किस तरह आप डिनाई कर सकते हैं और कैसा क्या आपको करना पड़ेगा, ए टू जेड मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बताया पूरा लाइव ऑर्डर में। गाइस, जी हां, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। तो गाइस, आप जैसे कि देख पा रहे हो, मेरे स्क्रीन में लाइव ऑर्डर है और मैं एक ऑर्डर एक्सेप्ट कर चुका हूं। आप एक्सेप्ट का पहले भी डिनाई कर सकते हो, उसके बाद भी। तो अभी क्या करना है गाइस, डिनाई करने के लिए कुछ करना नहीं है। गाइस, सिंपल सा प्रोसेस है। गाइस, ये जो हेल्प ऑप्शन है, गाइस हेल्प ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर उसके बाद लाइव ऑर्डर हेल्प में जाना है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन है, देखिए गाइस, ऑर्डर डिनाई या कैंसिल जो भी है, और ये ऑप्शन को आपको फॉलो करना है। गाइस, यहाँ पर ये सारा ऑप्शन दिखा रहा है। गाइस, ये आपके अनुसार, आप अपना अनुसार आप सेलेक्ट करना है। गाइस, सेलेक्ट करके ही आप ऑर्डर को डिनाई कर सकते हैं, डिनाई एंड ट्रांसफर। जैसे कि देखिए गाइस, मैंने एक ऑप्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर दिखा रहा है गाइस, डिनाई एंड ट्रांसफर, और यहाँ मेंशन भी है गाइस, अगर आप रिपीटेड करोगे तो आपका जो पे आउट जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। बट यहाँ पर ही एक ऑर्डर आप डिनाई कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है गाइस। बट जैसे ही मैंने डिनाई किया, मेरा जो रैंक है गाइस, देखिए ब्लू पार्टनर में आ गया, मेरा रैंक ब्रॉन्ज में था, तो रैंक जो है डाउन हो गया गाइस। अब ये मैं अगर सही रीज़न से अगर मैं टिकट रिस्क करता हूँ, तो टिकट रिस्क में अगर वो टिकट सपोर्ट टीम अगर देखता है जो हाँ मैंने सही रीज़न से मैंने डिनाई किया, तो वो क्या होता है गाइस, वो जो है आपका डिनाई का जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया जाता है, उसके बाद में आपका जो रैंक है, रैंक अच्छा हो जाता है गाइस। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत गाइस, अब एक दिन में आप एक डिनाई कर सकते हो, डोंट वरी गाइस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अच्छा रहिए, अच्छे से काम कीजिए। थैंक यू सो मच।